गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ योर BSc फर्स्ट ईयर क्लास, दैट इज फिजिक्स पीपल फर्स्ट एंड इट वॉज अबाउट 4 ईयर। थ्योरम का ये पार्ट आप लोग स्क्वायर वेव पढ़ चुके हैं। दिस इज योर सेकेंड, सो ट्रूथ वेव। सो ट्रूथ वेव के अंदर सबसे पहले विल ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टी एंड वाई। जब टी ज़ीरो है तब एम्पलीट्यूड ए विल बी मैक्सिमम। जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाई की वैल्यू कम हो जाएगी। एट अ मैक्सिमम टाइम कैपिटल टी, जब टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी देन वाई विल बी ज़ीरो। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द ग्राफ। ये पूरे एक ट्रूथ के स्ट्रक्चर में दिख रहे, सो इट इज कॉल्ड एज सो ट्रूथ वे। नाउ वेयर टी इज इक्वल टू ज़ीरो देन वाई इज इक्वल टू ए, देन टी इज इक्वल टू टी बाय टू देन वाई इज इक्वल टू ए बाय टू, एंड टी इज इक्वल टू कैपिटल टी देन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स that y is decreasing linearly with the time t। y धीरे धीरे linearly कम होता जाता है, जब t linearly t क्या करता जाता है, increase होता जाता है। now according to 4 year series, हम पहले 4 year theorem पढ़ चुके हैं। 4 year ने एक theorem दी थी, उस theorem के basis पे जितने भी complicated waves होती हैं उन waves को solve करते हैं। सो दीज आर द इक्वेशन ए ज़ीरो प्लस ए वन साइन ओमेगा टी, ए टू साइन टू ओमेगा टी प्लस ए आर साइन आर ओमेगा टी। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। फॉर द सेकेंड वी विल यूज बी वन कॉस ओमेगा टी, बी आर कॉस ओमेगा टी। ये पूरी आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको ए ज़ीरो ए आर और बी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। वो फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन दिस वैल्यू ऑफ स्क्वायर सो ट्रूथ वेव की वैल्यू कैलकुलेट होगी। फॉर दैट वी नो दैट, हम ये जानते हैं ए ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन बाई टी ज़ीरो से टी बाई डी। ये इक्वेशन हम लोग फूरियर थ्योरम से लेकर के आए हैं, जहाँ पर ए ज़ीरो के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए वाई इज इक्वल्स टू ए वन माइनस टी बाई टी फॉर्म होती है, क्योंकि टाइम टी के रिस्पेक्ट में ए का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, इसलिए इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। देन वन अपॉन टी ज़ीरो से टी वन माइनस टी बाय कैपिटल टी एंड डी टी ए बाय टी ए बाय टी। नाउ फॉर द इंटीग्रेशन विल बी टी माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी ज़ीरो से कैपिटल टी ए बाय टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए बाय टी, टी माइनस टी से टी के कैंसिल, देन टी बाय टू ए बाय टी वन माइनस वन बाय टू देन इट विल इक्वल टू टी बाय then e by 2, we'll got the value of a 0 is equals to a by 2. This is the second equation. चलिए सेकेंड इक्वेशन निकालने के बाद वी कैलकुलेट अबाउट ए आर। ए आर का फॉर्मूला होता है 2 by t इंटीग्रेशन t by साइन r ओमेगा t एंड dt। ये वैल्यू होती है
For that, we'll use the value of t. Then 2t integration 0 c t e 1 minus t by t sin r omega t t t 2a by dt my टू ए बाय टी का हो जाएगा जब साइन का करेंगे दैट इज माइनस कॉस आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा जीरो से टी माइनस टू ए बाय टी स्क्वायर जब टी को मैं आगे ले लूँगी दैट विल बी टू स्क्वायर नाउ फर्स्ट वील यूज दिस फॉर फर्स्ट टर्म एंड फॉर द सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल्स टू माइनस टी कॉस आर ओमेगा टी आर ओमेगा देन टू ए बाय टी स्क्वायर